जय तु भारतम। साथियों, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पंचकुला से जुड़ी हैं आदरणीय संतोष गर्ग जी, हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं राजपाल यादव जी, फरीदाबाद से हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजु दुआ जैमिनी जी, चंडीगढ़ से ही हमारे साथ जुड़े हैं अनिल शर्मा चिंतक जी, कैथल से जुड़े हैं रविंद्र कुमार रवि जी। तो आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम माँ शारदा को स्मरण करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे, नव भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। माँ वीणा वादिनी से वर मांगने के लिए आदरणीय संतोष गर्ग जी। माँ शारदे को नमन। नमन करूं माँ शारदे को, नमन करूं माँ शारदे को, नित नित नूतन ज्ञान मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना, बस चरणों का ध्यान मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना, बस चरणों का ध्यान मिले। गीत गजल और छंदों की रचना करना जानू माँ, वेद ग्रंथ वरीचाओं की भाषा शैली समझू माँ, सुनने की माँ क्षमता देना, सुनने की माँ क्षमता देना, कान से अमृत पान मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना, बस चरणों का ध्यान मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना। किसी सभा में जब भी बैठूं मासा भरना गलती हो, पेड़ की भांति झुकना सीखूं, क्रोध की आग न जलती हो, अहम की जड़ भी छू ना पाऊं, अहम की जड़ भी छू ना पाऊं, बस इतना सम्मान मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना, बस चरणों का ध्यान मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना, बस चरणों का ध्यान मिले। जब जब लेखन लिखने बैठे, देश हित तो बस कलम चले, चहुं और जो कीर्ति फैले, नाम का भी अभिमान गले, बस संतोष की यही है विनती, बस संतोष की यही है विनती, वर देने तू आन मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना, बस चरणों का ध्यान मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना, बस चरणों का ध्यान मिले। नमन करूं माँ शारदे को, नित नित नूतन ज्ञान मिले, ज्ञान के बिन है जीवन सोना, बस चरणों का ध्यान मिले, बस चरणों का ध्यान मिले। बहुत खूब सुंदर, माँ शारदा को हम सबका नमन। हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से अनिल शर्मा जी, आयकर विभाग में अधिकारी हैं, वो साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य के विभिन्न विधाओं में लिख रहे हैं, अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और विभिन्न टीवी चैनलों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए अनिल शर्मा जी। नमस्कार। माँ जननी के चरणों में चार पंक्तियां समर्पित करने का प्रयास किया है। निवाला त्याग कर भूखी रही हमको खिलाया माँ, निवाला त्याग कर भूखी रही हमको खिलाया माँ, बड़ी तंगी भरे हालात में हमको पढ़ाया माँ, गरीबी थी मगर फिर भी नहीं भटकाव आ पाया, हमेशा नेक राहों पर हमें चलना सिखाया माँ, हमेशा नेक राहों पर हमें चलना सिखाया माँ। और माँ जननी के आह्वान के बाद भाषा में कुछ रखने का प्रयास करता हूँ। आज नहीं कुछ बोल रही मन में कुछ बात छुपाए रही है, आज नहीं कुछ बोल रही मन में कुछ बात छुपाए रही है, नीर बहाए कपोल भिगो हमारी वधु चाय बनाए रही है, ओ लाख किए अनुरोध कहो किस कारण युद्ध मचाए रही है,
रात कही यह बात कि अंतर जाले बिना मुरझाए रही है। रात कही यह बात, ये इंटरनेट जो है हमारे ग्रस्त जीवन से लेकर के रसोई घर से लेकर के बेडरूम तक आ चुका है, तो उसके ऊपर एक चुटकी लिखने का प्रयास किया, एक रचना मैंने प्रस्तुत लिखने का प्रयास किया है हास्य के ऊपर। सीख भरी बातों को मेरी आर्गुमेंट समझती है, सीख भरी बातों को मेरी आर्गुमेंट समझती है, सोच को मेरी और अपनी वो क्यों डिफरेंट समझती है। और हर हफ्ते शनि रविवार को तू तू मैं हो जाती, हर हफ्ते जो रविवार को तू तू मैं हो जाती, झगड़े खातिर ही छुट्टी को परमानेंट समझती है। और खुद की गलती को गलती कहने में वो संकोच करे, खुद की गलती को गलती कहने में वो संकोच करे, मुझको झगड़े का कारण 90% समझती है। फिर देखिएगा कि बहुत जरूरी बातों को हल्के में ऐसे लेती है, बहुत जरूरी बातों को हल्के में ऐसे है लेती, गैर जरूरी बातों को जितना अर्जेंट समझती है। और मेरी कविताई को उसने हुनर नहीं माना, लेकिन मेरी कविताई को उसने हुनर नहीं माना, लेकिन अपने अंदर दुनिया भर का वो टैलेंट समझती है। और बहुत हो गई हाँसी टिटोली बात सत्य समझाता हूँ, अंतिम दो पंक्तियां ध्यान चाहूंगा। बहुत हो गई हंसी ठिठोली बात सत्य समझाता हूँ, मेरी पत्नी ही सब मेरे सेंटिमेंट समझती है, मेरी पत्नी ही सब मेरे सेंटिमेंट समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत रचनाएं आपने पढ़ी अनिल जी। और अब रविंद्र कुमार रवि जी हमारे साथ कैथल से जुड़े हैं। रविंद्र कुमार रवि जी मूलतः गजलकार हैं और दो पुस्तकें उनकी अभी तक गजलें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ साथ साहित्य की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सम्मानित रहते हैं। आदरणीय रविंद्र रवि जी, माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए सभी श्रोताओं को नमस्कार। पहली गजल का मतलब कुछ यूं है। शहर में एक टुकड़ा धूप जो हिस्से में आई है, शहर में एक टुकड़ा धूप जो हिस्से में आई है, असल में गांव के सूरज के ही बदले में आई है। बहुत शिद्दत से जिस हसरत को मैंने आँख में पाला, बहुत शिद्दत से जिस हसरत को मैंने आँख में पाला, वो बनकर मोतियाबिंद अब मेरे चश्मे में आई है। और शोर शेर देखिएगा, ये कितनी ढीठ है, ये कितनी ढीठ है, इसको ना कोई शर्म आती है, गरीबी नाम की एक छोकरी मेले में आई है। और एक और शेर देखिएगा आज के हालात पर, कि दिया है कोट बेटे ने मुझे अपना पहनने को, दिया है कोट बेटे ने मुझे अपना पहनने को, नहीं फिटिंग सही इसकी कमी कंधे में आई है, नहीं फिटिंग सही इसकी कमी कंधे में आई है, जिसे देखो वही मसरूफ है इसको मनाने में, जिसे देखो वही मसरूफ है इसको मनाने में, सुना है जिंदगी भी आजकल नखरे में आई है, सुना है जिंदगी भी आजकल नखरे में आई है, सुकून संतोष की इतनी बड़ी गठरी जो रहती थी, सुकून संतोष की इतनी बड़ी गठरी जो रहती थी, सिमट कर अब वो पिछले जेब के बटुए में आई है, सिमट कर अब वो पिछली जेब के बटुए में आई है, शहर में एक टुकड़ा धूप जो हिस्से में आई है, असल में गांव के सूरज के ही बदले में आई है। एक और गजल के कुछ शेर ध्यान चाहूंगा। आज ओवरवेट पर भी कुछ लिखो, आज ओवरवेट पर भी कुछ लिखो और खाली पेट पर भी कुछ लिखो, और बढ़ती महंगाई के आलम में चलो, बढ़ती महंगाई के आलम में चलो, आदमी के रेट पर भी कुछ लिखो, और फाइलों से किस तरह कागज उड़ें, फाइलों से किस तरह कागज उड़ें, और पेपर वेट पर भी कुछ लिखो, प्यार के वर्जन पुराने हो गए, प्यार के वर्जन पुराने हो गए, अब नए अपडेट पर भी कुछ लिखो, इसके बिन लाचार सब मायूस हैं, इसके बिन लाचार सब मायूस हैं, यानी इंटरनेट पर भी कुछ लिखो,
आपकी जो राह तकता है सदा, आपकी जो राह तकता है सदा, अपने घर के गेट पर भी कुछ लिखो और जो कलेजे को जलाकर शेर दे, जो कलेजे को जलाकर शेर दे, अधजली सिगरेट पर भी कुछ लिखो, आज ओवरवेट पर भी कुछ लिखो और खाली पेट पर भी कुछ लिखो। एक और गजल के कुछ शेर। गूगल एक सर्च इंजन है, मेरी गूगल से एक अलग तरह की गुजारिश है कि प्यार का मंत्र ढूंढो गूगल, प्यार का मंजर ढूंढो गूगल, कुछ तो बेहतर ढूंढो गूगल, प्यार का मंजर ढूंढो गूगल, कुछ तो बेहतर ढूंढो गूगल, और बिन पहिए के फाइल चल दे, बिन पहिए के फाइल चल दे, ऐसा दफ्तर ढूंढो गूगल, माहिर हो तुम, माहिर हो तुम ये भी कर दो, माहिर हो तुम ये भी कर दो, ईश्वर का घर ढूंढो गूगल, और जहां गरीबी छाया पाए, जहां गरीबी छाया पाए, कोई छप्पर ढूंढो गूगल, और जिसने पगड़ी पग में रख दी, जिसने पगड़ी पग में रख दी, तुम उसका सर ढूंढो गूगल, और खुद को ही मैं फोन लगा लूं, खुद को ही मैं फोन लगा लूं, क्या है नंबर ढूंढो गूगल, प्यार का मंजर ढूंढो गूगल, कुछ तो बेहतर ढूंढो गूगल। धन्यवाद। रविंद्र रवि जी से आपने गजलें सुनी, आपको आनंद आया होगा, बड़ी खूबसूरत गजलें उन्होंने पढ़ी। और अब आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ फरीदाबाद से जुड़ी हैं डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी जी। डॉक्टर अंजू दुआ हरियाणा साहित्य अकादमी से श्रेष्ठ महिला रचनाकार के रूप में सम्मानित हो चुकी हैं और उनकी 25 से अधिक पुस्तकें साहित्य के क्षेत्र में अब तक प्रकाशित हुई हैं। उनको आमंत्रित कर रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, नया जन्म ही जग पाता है, नया जन्म ही जग पाता है, मरण मूढ़ सा रह जाता है, एक बीज सो उपजाता है, एक बीज सो उपजाता है, सृष्टा बड़ा सदम है, सृष्टा बड़ा सदम है, जीवन की ही जय है, जीवन की ही जय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कविता सुनाती हूँ, इसका शीर्षक है अरे जिंदगी। तुझे छोड़ना इतना आसान होता, तुझे छोड़ना इतना आसान होता, तो सांसों का गठरा दिल पर लादे न फिरते, तो सांसों का गठरा दिल पर लादे न फिरते, ये विक्रम बेताल की कहानी तो चलनी है उम्र भर, सोचना तो ये है कि अगला सवाल क्या पूछूं तुझसे, अरे जिंदगी अगला सवाल क्या पूछूं तुझसे। और इसी क्रम में इसका शीर्षक है खोलना होगा। ये साकल जो तू लगाई है तूने, खोल दे दरवाजा ऐ जिंदगी, ये साकल जो लगाई है तूने, खोल दे दरवाजा ऐ जिंदगी, तू मुझसे कब तलक खेलती रहेगी आंख मिचोली ऐ जिंदगी, देख मेरे दिल से झांक कर, देख मेरे दिल में झांक कर, न तोड़ पाएगी तू हौसला मेरा, न तोड़ पाएगी तू हौसला मेरा, आ लड़ ले मुझसे, और इसके लिए ऐ जिंदगी खोलना होगा द्वार तुझे, ऐ जिंदगी खोलना होगा द्वार तुझे। छोटी सी कविता मैं लाई हूँ, सुनिएगा। कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश जगाते रहिए, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश जगाते रहिए, बंजर जमी पर फावड़े चलाते रहिए, हिम्मत और लगन से सींचिए पत्थरों को, वीरां बाग में प्रेम खाद बिखराते रहिए, वीरां बाग में प्रेम खाद बिखराते रहिए, यूं तो मिलेंगे दुश्मन हजारों, यूं तो मिलेंगे दुश्मन हजारों, दोस्त तुमको मगर बनाते रहिए, कि एक छोड़ मिलती है दस दस, एक छोड़ मिलती हैं दस दस, मुश्किलों में मगर मुस्काते रहिए। और आखिरी देखिए कि हाथों को उठाओ ऊंचा इस कदर, हाथों को उठाओ ऊंचा इस कदर, आसमां को मुट्ठी में समाते रहिए, आसमां को मुट्ठी में समाते रहिए, आसमां को मुट्ठी में समाते रहिए। बहुत खूब, बड़े सुंदर शब्दों में आपने जिंदगी को परिभाषित किया। गुरुग्राम से जुड़े हैं राजपाल यादव राज जी। राजपाल यादव जी की अभी तक साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक
जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उनसे राजपाल जी का जुड़ाव है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। राजपाल यादव का आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुक्तक से शुरुआत करता हूं। शब्दों की पिरोमाला वतन के गीत गाऊं मैं, शब्दों की पिरोमाला वतन के गीत गाऊं मैं, शहीदों की अमर गाथा जन जन को सुनाऊं मैं, शब्दों की पिरोमाला वतन के गीत गाऊं मैं, शहीदों की अमर गाथा जन जन को सुनाऊं मैं। चमकते हैं नभ में जो सितारे चांद बन करके, चमकते हैं नभ में जो सितारे चांद बन करके, उन सब की शहादत पर वारी वारी जाऊं मैं, उन सब की शहादत पर वारी वारी जाऊं मैं। और अब एक छोटी सी रचना, शब्दों का संसार। शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं। इस प्रकार शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द हंसाते हैं, शब्द मुस्कुराते हैं, शब्द खिलखिलाते हैं, शब्द गुदगुदाते हैं, शब्द मुखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द मधुर हो जाते हैं। इतना होने पर भी शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द घाव देते हैं, शब्द ताव देते हैं, शब्द लड़ते हैं, शब्द झगड़ते हैं, शब्द बिगड़ते हैं, शब्द अखरते हैं, शब्द सिहरते हैं। परंतु शब्द कभी मरते नहीं, परंतु शब्द कभी मरते नहीं, शब्द कभी थकते नहीं, शब्द कभी रुकते नहीं, शब्द कभी चुकते नहीं। अतएव शब्दों से खेले नहीं, अतएव शब्दों से खेले नहीं, बिन सोचे बोले नहीं, शब्दों को मान दें, शब्दों को सम्मान दें, शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों को पहचान दें, ऊंची लंबी उड़ान दें, शब्दों को आत्मसात करें, उनसे उनकी बात करें, शब्दों का आविष्कार करें, गहन सार्थक विचार करें, क्योंकि शब्द अनमोल हैं, जुबां से निकले बोल हैं, शब्दों में धार होती है, शब्दों की महिमा अपार होती है, शब्दों का विशाल भंडार होता है। और सच तो यह है कि शब्दों का भी अपना एक संसार होता है, शब्दों का भी अपना एक संसार होता है। नमस्कार। खूब, शब्द मरते नहीं, बड़ी सुंदर बात आपने कही। चंडीगढ़ से हमारे साथ संतोष गर्ग जी जुड़ी हैं, जो पिछले अनेक वर्षों से साहित्य की सेवा कर रही हैं। 20 के आसपास उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़ी रही हैं, तो निसंदेह मंच का अनुभव उनके पास है। और इसके साथ साथ जो विशेष बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा उनके बारे में, कि भारत भर की विभिन्न साहित्यिक संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। गोपालदास नीरज जी की इन पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे, होश ये भी न जहां है कि कहां तक पहुंचे, कि कहां तक पहुंचे। आदरणीय संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिनेश जी, मंच को नमन करते हुए कांटे शब्द पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। कांटे बोए कांटे पाए, चुभे कांटे कांटे रोए, जरा गौर से देखो लोगो, फूलों के संग कांटे सोए। चमन जब उजड़ गया तो तब भी देखो कांटे रोए। सोचे कांटे देखे कांटे खाए कांटे पहने कांटे, सोचे कांटे देखे कांटे खाए कांटे पहने कांटे, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें पड़े हैं सहने कांटे। कांटे 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 कांटे, चहूं और हैं कांटे कांटे, फूल कहां से बांटू लोगो,
फूल 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 कहाँ से बंटू लोगो, दुनिया ने जब बांटे कांटे, दुनिया ने जब बांटे कांटे। एक प्रेम शब्द पर आधारित अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं, जिसने थामा इसका दामन बच पाया अभिमान नहीं, जिसने थामा इसका दामन बच पाया अभिमान नहीं। प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं, प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं। इन लोक की रानी राधा हो गई थी बावरे, मीठे से इस बिरह रस से, मीठे से इस बिरह रस से बच पाया भगवान नहीं। प्रेम की पगडंडियों का चखा प्रेम का रस कबीरा, रहमन धन्ना संतनी मेरा, ढाई अक्षर प्रेम के थे कोई ऊंची शान नहीं। प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं। भक्त सिंह सुखदेव गुरु ने कूट कूट के प्रेम भरा था, देखे जो फांसी के फंदे, देखे जो फांसी के फंदे, चूमा पाई जान नहीं। प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं। प्रेम पथ के राही गूंगे, प्रेम पथ के राही गूंगे, बिरहा तो सुल्तानी है, लेना देना एक है सौदा, प्रेम जानता ज्ञान नहीं। प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं। वृंदावन में कान्हा ने भी प्रेम किया था हृदय से गौ मात को, वृंदावन में बीती उन दिन कोई सुबह शाम नहीं। प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं। अंतिम बंद और है। चेहरों को है प्रेम पढ़ता, लिख देता हम सबके मन की, आंखों की भाषा न समझे, आंखों की भाषा न समझे, इतना भी नादान नहीं। प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं। जिसने थामा इसका दामन बच पाया अभिमान नहीं। प्रेम की पगडंडियों का रास्ता आसान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सुंदर, बड़ी सुंदर प्रस्तुति। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमारे आमंत्रित सभी कवियों से अनुमति चाहता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और इसके साथ साथ मार्गदर्शक मंडल आदरणीय श्री कमलेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर कमलेश मलिक जी और डॉक्टर विजेंद्र जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद।